सेना में भर्ती के लिए सरकार ने नई नीति और व्यवस्था को ऐलान किया। मुरैना जिले के वो युवा आक्रोशित हो उठे जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आक्रोशित युवाओं ने बुधवार की रात बैरियर पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। करीब पौन घंटे तक युवाओं का हंगामा चलता रहा, जो ADM, ASP जैसे अफसरों की समझाइश पर माने। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसमें सेना में भर्ती 4 साल के लिए करने के नियम है। वहीं 4 साल बाद 75% युवाओं को रिटायरमेंट और एक मुश्त राशि देकर सेना की सेवाओं से अलग कर दिया जाएगा। योजना के तहत पेंशन और अन्य वह सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो पूर्व सैनिकों को मिलती है। इसी के खिलाफ 1 सैकड़ा से ज्यादा युवा बुधवार की रात 7:45 के करीब बैरियर पर जुटे। ये युवा वह थे जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। युवाओं ने बैरियर क्षेत्र में रखे यातायात पुलिस के बैरिकेड्स लगाकर ग्वालियर से धौलपुर की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन के कारण बैरियर पर जाम लग गया। वहीं सूचना मिलते ही अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, एडिशनल SP डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, CSP अतुल सिंह, कोतवाली TI योगेंद्र सिंह जादौन, सिविल TI प्रवीण चौहान, स्टेशन रोड TI जितेंद्र नागैच और यातायात थाना प्रभारी सहित जिला और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी कर्मचारी आ गए, जिन्होंने करीब 15 मिनट तक युवाओं को समझाइश दी। तब उनका विरोध प्रदर्शन शांत हुआ। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।